हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल हेल्थ एंड विकास 24 में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेचुरल वे टू इंक्रीज स्पर्म काउंट। तो मतलब जो प्राकृतिक तरीका है स्पर्म को काउंट को बढ़ाने का, जो सबसे ज़्यादा मेंस प्रॉब्लम है उसके बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले हर रोज की तरह एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं नेचुरल वे टू इंक्रीज स्पर्म काउंट। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ आपको, एक प्राकृतिक तरीका बताने वाला हूँ जिससे हम स्पर्म काउंट की जो संख्या होती है, मतलब काउंट की जो संख्या होती है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर वन बात करते हैं कि प्रॉपर स्लीप, मतलब जो लोग अच्छे से नहीं सो पाते हैं, जो प्रॉपर एक नींद होती है, उचित नींद होती है, उसको अगर सही से नहीं ले पाते हैं तो उन लोगों में भी स्पर्म काउंट की संख्या है वो काफ़ी घट जाती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेकेंड, तो उसके लिए है क्वाइट स्मोकिंग, मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो वो लोग इसको स्मोकिंग को क्वाइट कर सकते हैं, मतलब स्मोकिंग को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्मोकिंग जिन लोगों ने स्मोकिंग ज़्यादा किया होता है उन लोगों में स्पर्म काउंट की जो संख्या होती है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो क्वाइट मतलब स्मोकिंग, तो आप स्मोकिंग को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये सेकेंड तरीका था। अब बात करते हैं तीसरे तरीके के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो तीसरा तरीका है वो है अवॉइड एल्कोहल। तो मतलब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एल्कोहल पीने की शौक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आदत बनी हुई है जिन लोगों को शराब की, तो वो लोग शराब जरूर छोड़िएगा, वरना आपकी स्पर्म काउंट की जो संख्या काफ़ी डाउन हो सकती है। और आजकल मेंस में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है कि संतान को लेकर, मतलब स्पर्म काउंट की जब संख्या कम हो जाती है एक निश्चित मात्रा से, तो आप संतान, मतलब आप बेबी को पैदा नहीं कर सकते, बेबी डेवलपमेंट आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ना ही आप कभी पिता बनने का सपना देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एल्कोहल अवॉइड करना होगा आपको, तो एल्कोहल को अवॉइड करिएगा। और चौथा, इनफ विटामिन डी, मतलब जिन लोगों को जितना विटामिन डी की ज़रूरत है बॉडी में, उस टाइप का विटामिन डी, मतलब उस उतना विटामिन डी की जो मात्रा होती है, जो निर्धारित मात्रा होती है बॉडी में, उसको लेवल में बनाए रखना है, पूरा करके रखना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, दही वगैरह खाइएगा, और विटामिन डी की जो ज़्यादा विटामिन डी, जैसे मशरूम वगैरह होता है उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है, तो विटामिन डी की जो ज़्यादा स्रोत है जिसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो आप उस विटामिन डी को ज़्यादा से ज़्यादा खाइएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डू एक्सरसाइज। पाँचवा है वो डू एक्सरसाइज। तो आप एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, आप सुबह को मॉर्निंग वॉक पे जाइएगा और आप जिम वगैरह करिएगा। एक्सरसाइज को कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा शरीर को एक्सरसाइज करना है, शरीर को बिल्कुल खाली नहीं बैठाना है, मतलब पूरे दिन आराम नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, पांचवा होगा डू एक्सरसाइज। अब बात करते हैं छठे के बारे में, तो वो है टेक अश्वगंधा। तो आप अश्वगंधा का भी प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा से क्या है, स्पर्म काउंट की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, तो जिन लोगों में स्पर्म काउंट की संख्या बहुत ज़्यादा कम होती है, तो वो लोग टेक अश्वगंधा, मतलब अश्वगंधा को ले सकते हैं, और आप अश्वगंधा को अपने रूटीन में ले सकते हैं। तो अश्वगंधा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए। फ्रेंड्स, जिन लोगों में कमी है और जिनमें नॉर्मल है वो, तो मतलब जो मैंने बताया है पाँच, वो तो वो भी लोग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सिक्स। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सातवें नंबर के बारे में, वो है फ्रेंड्स ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजेस। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा फल खाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खाइएगा, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाइएगा। तो जिससे क्या है, आपकी जो स्पर्म काउंट की संख्या है वो आराम से बढ़ने लगेगी, और आपको जिस स्पर्म काउंट की संख्या का जो सामना करना पड़ रहा है कम का, वो अपने आप ही आप इंक्रीज हो जाएगी और बढ़ जाएगी, और आप फिर से संतान उत्पत्ति के लायक हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये कुछ नेचुरल वे थे इंक्रीज स्पर्म काउंट के लिए, मतलब स्पर्म काउंट की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ प्राकृतिक मतलब तरीके थे। अगर इस तरीके से आप अपनाएंगे तो आपकी जो स्पर्म काउंट की संख्या है वो आराम से बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स, ये काफ़ी शोध करके, मतलब वीडियो बना रहा हूँ, और काफ़ी शोध करने के बाद ये पाया गया कि अगर ये आदत अगर मनुष्य अपने आप में डाल ले तो उसके स्पर्म काउंट घटेंगे नहीं, अगर घट गए तो बढ़ने लगेंगे। तो फ्रेंड, ये छोटा सा वीडियो था नेचुरल वे टू स्पर्म काउंट, तो इंक्रीज स्पर्म काउंट के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, आपको जानकारी कैसी लगी तो ज़रूर लाइक करना, और चैनल पहली बार विजिट करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई आर डियर फ्रेंड्स एंड आर डियर फैमिली।